अयोध्या स्थित विवादित बाबरी मस्जिद स्थल को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले आने की संभावना को लेकर टांडा बरूड़ थाना परिसर पर TI तुलाराम पटेल द्वारा ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम बरूड़ सहित रोमचिचली, देवनालिया, कोठा खुर्द, उमरखली, कोठा बुजुर्ग, सिनखेड़ा के नागरिक शामिल हुए। बैठक में TI द्वारा ग्रामीणों को समझाइश दी गई कि सोशल मीडिया पर किसी धर्म, जाति, समाज, लिंग आदि के विरुद्ध पोस्ट करना एवं भ्रामक जानकारी न डालें, साथ ही ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें और अगर आपके मोबाइल में कोई ऐसा मैसेज आता है तो उससे हमें अवगत कराएं। साथ ही कोठा खुर्द निवासी माणक सोलंकी द्वारा ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई कि अयोध्या का जो भी फैसला हो वो हमें सर्वमान्य होगा। साथ ही कहा गया कि किसी के बहकावे में ना आए और अमन चैन सुख शांति बनाए रखे। बरूड़ से रामेश्वर कुमावत की रिपोर्ट। आज थाना क्षेत्र के सभी ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों की जो मीटिंग आगामी दिनों में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद न्यास का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आना है, इस परिपक्ष में समाज में सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु और दायित्व निर्वहन हेतु दोनों समन्वय समिति एवं ग्राम रक्षा समिति के दोनों सदस्यों को यहाँ इस परिपक्ष में बुलवाया था और शांति सद्भावना हेतु शपथ भी इस संबंध में दिलाई गई है, यही उद्देश्य था उसका। ग्राम सुरक्षा समिति के बैठक में आप आए और क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को यही संदेश देंगे कि जहां आज हमें थाने में बुला करके एक संदेश दिया गया है, उस संदेश पर लोगों को यही देना है कि आप लोग किसी भी पक्ष में जाए, या राम जी के पक्ष में जाए या मस्जिद के पक्ष में जाए, दोनों समाजों में किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो, भाईचारा हमेशा बना रहे और बनाते चले। भाईचारा जीवन भर हमें साथ देगा, वाद विवाद कभी जीवन में हमें साथ नहीं देगा, दुख ही देगा। तो ये दुख के कारण को छोड़कर हम सुख का जीवन जीने की कोशिश करें, अमन चैन से रहें और भाईचारा जीवन भर हमारे साथ एक दूसरे के काम में आता रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माणक चंद सोलंकी, ग्राम कोठा खुर्द सुरक्षा समिति से आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।